हैं अली हैदर बटू, तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीपालपुर। आज मेरी कोरोना वायरस के हवाले से चंद गुजारशात हैं कि जिस तरह आपको मालूम है कि ये वबा जो है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो इस हवाले से अपना तमाम पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि इसकी एहतियाती तदाबीर इस करनी चाहिए। जिस तरीके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हाथ धोने चाहिए, सफाई का ख्याल रखने चाहिए, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, ये सारे इकदाम अपनी जगह पे हैं। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है, इसके लिए पूरी कौम को हुकूमत के साथ मिलकर इजारे यकजहती के तौर पर मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इसका लॉकडाउन के करना चाहिए और अपने अपने घरों में महफूज रहना चाहिए। आपको पता है दोस्तों कि ये एक ऐसी मर्ज़ है, जब किसी को लाख हो जाती है तो बड़े तकलीफ दे मरला है। वो जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसको अपने अजीज़ों से भी मिलने नहीं दिया जाता, और अगर सेहतमंद होगा तो फिर वापस आएगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान ख़ान साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए भी अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, राशन की सूरत में, पेट्रोल के कीमतों में और डीजल की कीमतों में कमी की है, और ओवरऑल मुआशी पैकेज एक लगभग 1000 अरब रुपए के करीब उन्होंने ये दिया है। तो हम इंशाल्लाह ताला शाना बशाना लोगों के साथ, अपने हल्के के लोगों के साथ और तमाम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला इस मूजी मर्द के ख़िलाफ़ ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। थैंक यू।